जो सामने दिखाई दे रहा है यह पावागढ़ का बस स्टेशन है। वडोदरा से पावागढ़ के लिए डायरेक्ट बस चलती है। पावागढ़ के लिए पास का रेलवे स्टेशन वडोदरा ही है और फ्लाइट से आना चाहो तो एयरपोर्ट भी वडोदरा में ही है। वडोदरा से 50 किलोमीटर दूर बस से आ सकते हैं। तो भाई जितनी भी गाड़ियाँ आती है यहाँ से बस तो यहाँ तक ही आती है, यहाँ से आपको ऊपर पैदल जाना पड़ता है। ये देख रहे हो यहाँ तक ये गाड़ियाँ इतनी पहाड़ी ऊंचाई तक जाता है। हेलो, तो कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको पावागढ़ की कालिका माता का बहुत ही सुंदर मंदिर दर्शन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, एक तो रोप वे और एक आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने वाला हूँ, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाने वाला हूँ और ऊपर से फिर रोप वे यानी उड़न खटोला है यहाँ पे। उड़न खटोला गुजराती भाषा में बोलते हैं, तो उड़न खटोला लेके तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है और यहाँ पे ऊंचाइयों पे और होने के कारण चारों तरफ खाइयाँ हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची खाइयाँ हैं। तो चारों तरफ हवा का वास होने के कारण, हवा यानी पवन का वास होने के कारण इसका नाम पावागढ़ रखा गया।
तरीके का आते हो तो अपने ऊपर है। एक जूम थी ना फोटो पड़ी थी ज्यादा जूम नहीं फोटो पड़ता ही होगा इसमें फोटो पड़े ना पर डीएसएलआर जैसा नहीं होता ना। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये तालाब आता है और इस तालाब का नाम छसिया तालाब है। तो दोस्तों उड़न फटोला यानी रोप वे यहीं तक आता है तो यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। जैन
तो यहाँ पे मंदिर निर्माण का काम चल रहा है भाई। ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो दुधिया तालाब है। तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू लग रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा क्रेन लगा है। अभी तो मंदिर बनना है, बाकी काफी हद तक बन गया है। फाइनली ऊपर मंदिर के ऊपर पहुंच ही गए। तो ये कालिका माता का मंदिर है जो कि अभी काम चल रहा है, अभी बनना बाकी है। तो दोस्तों ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं है। तो भाई इस मंदिर के पास ये दरगाह भी है। अब चलते हैं यहाँ से नीचे। दुधिया तालाब तो गाइस मैं आज नीचे से सीढ़ियों से चढ़ के आया था और अब मैं रोप वे से जाने वाला हूँ। ये स्टूडेंट खटोला बोलते हैं यहाँ पे गुजराती भाषा में। कैमरा है तो फाइनली रोपवे में आ गया हूँ इधर। और यहाँ से रोपवे के लिए भी Hello।
जुकाम नहीं किया मैंने, ज़्यादा तबियत खराब है, तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। बताए 10।